कंफर्ट का आराम, डिस्क ब्रेक की सुरक्षा, अब बजाज प्लैटिना पर 2800 रुपए तक की बचत। विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे विदेशी नजरिया, हाय हाय गया में मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक भारत टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को श्रीराम नवमी पूजा समिति एवं प्रदर्शन हिंदू युवा शक्ति संघ, धर्म जागरण समन्वय हिंदू जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। प्रदर्शन चांद चौरा से निकलकर रामसागर रोड, नवागढ़ी, कोयरीवारी, जीबी रोड होते हुए टावर चौक पहुंचा, जहां महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मनीलाल बारिक ने कहा कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार की गलतियों को गोस्वामी ने उजागर किया, जिसके लिए अब सरकार उन्हें एक मामले में फंसा रही है जो पूरी तरह बेबुनियाद है। सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निशाना बनाना चाहती है और आपातकाल जैसी स्थिति राज्य में बना रही है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने संपादक को तत्काल रिहा करने की मांग की। वीडियो न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। यही गया भूमि है जहां तुमने स्वतंत्रता का आंदोलन किया, यही ज्योति का बिहार है जहां से संतनाश किया गया था लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज मैं सारे मीडिया पत्रकारों को कह देना चाहता हूँ, यदि ये जो सोनिया गांधी जो दिल्ली के चाल से चल रही है इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर, वो सक्सेस नहीं करने वाली है। शरद पवार को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मीडिया बंदों के द्वारा, कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो कि एक पत्रकार पर झूठा आरोप लगाकर जो स्वयं के तहत ये इसका हम लोग आज पुरजोर विरोध करते हैं, अविरोध करते हुए हम ये आंदोलन का जो धमकी देते हैं। अगर आपने गोस्वामी को रिहा नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो देश आंदोलन के रूप में अपना लेगा, जब हमारा पुरजोर नहीं चलेगा। 2018 में मुकदमा को वापस ले लिया गया था बिना केस के, बिना कोर्ट की अनुमति के द्वारा रिव्यू करके केस में गिरफ्तारी करना, ये न्यायालय का विरुद्ध है, अन्याय का अन्याय है। आखिर ऐसी मंशा क्यों है? ऐसी मंशा क्यों है? ऐसी मंशा जो है इनकी है, जो राज्य की सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हिंदुओं का दमन करने का प्रयास करते हैं। आप बाल गंगा घटना देखिए, बाल गंगा जो घटना घटा वो हिंदुओं संतों का अपमान करके मारा गया, उस पर कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं किया गया है और कांग्रेस सरकार के पिछड़ों बने हुए हैं ये जो ये कांग्रेस के पिछड़ों बनकर वहाँ पर हिंदुओं का दमन कर रहे हैं। और एक बात है, बिहार सरकार से लव जिहाद के कानून इस पर लाए जाए, ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और उसके अलावा मुंगेर में जो घटना हुआ है, मुंगेर में घटना करने वाले पुलिसकर्मियों को अविलंब जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, कानूनी कानून के तहत 302 के तहत कार्रवाई करते हुए उनको मुकदमा लाया जाए। ऐसी घटनाएं का हम लोग विरोध करते हैं और उग्र आंदोलन करते हुए आज हम लोग प्रदर्शन करते हुए इस बात को सरकार को सलाह दे रहे हैं, चाहे बिहार सरकार हो या बिहार और मुंगेर वाला को ध्यान रखे। और मरा सरकार जो कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के सहयोग से चल रहा है, उद्धव ठाकरे की सरकार चल रहा है, मैं उनसे कहूंगा कि हिंदुओं का दमन करना बंद करें। आने वाले समय में उनको शिवसेना का जो प्रभाव मिला हुआ है, अगली बार वो शिवसेना का कोई चुनाव हंड नहीं रह पाएगा और हिंदू मतदाता सरकार वहाँ पर लेकर।